चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने पर हम ये मानकर चलते हैं थोड़ा बहुत कि आपके अकाउंट्स के बेसिक्स क्लियर होंगे, अकाउंट्स के बेसिक्स क्लियर होंगे। और अगर थोड़ा भी कहीं उल्टा सीधा है बेसिक्स में, तो आज जाकर घर पे थोड़ा बहुत जरूर देख लेना, क्योंकि जो स्टोरी हम बताने जाएंगे उससे ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हम लोग इस पर क्या क्या देखेंगे, किस तरह की बातें करेंगे। चलेगा बिल्कुल जीरो से, चिंता ना करें। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट की, तो सबसे पहले ख्याल आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कई स्टेटमेंट्स का नाम सुना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। तो एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विल यू टेल मी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बताता है हमें हमारी फर्म या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, सिचुएशन। पोजीशन का मतलब किससे कितना लेना और किससे को कितना देना, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फाइनेंशियल सिचुएशन, प्रॉफिट मोड में हमारी कंसर्न है या लॉस मोड में है। तो हम लोग देखो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन हम लोग जब अगर कंपनी की बात करते हैं, किसकी, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहलाता है ये। क्या कहलाता है? और थोड़ा सा आगे और बढ़ें तो हमें मालूम है दूसरा स्टेटमेंट होता है हमारा बैलेंस शीट। कोई और नहीं, कोई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा? सर, जो हम लोग को बेसिक में पढ़ाया गया था ना, वो BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और जब सर ने पढ़ाया था ना, ये बताया था BRS इज नॉट द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इज इट ट्रू? BRS हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देने से स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है। अच्छा सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है? नींद आ रही है? कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे स्टेटमेंट का हिस्सा है, बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है? हाँ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है, लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर के लिए ओनली। नॉन कॉरपोरेट या नॉन कंपनीज के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नॉट फॉर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन, बट फॉर कंपनी इट इज स्टैट्यूटरीली रिक्वायर्ड। गवर्नमेंट कहती है यू आर नीडेड टू प्रिपेयर योर कैश फ्लो स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द ट्रेडिंग एंड पीएल एंड द बैलेंस शीट, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट, यू आर नीडेड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अलावा कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होता है? अगर मालूम हो तो बताओ, थोड़ा जल्दी बताओ। अरे बोलो ना, फंड फ्लो स्टेटमेंट, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होता है? वो कहीं भी नीड नहीं है उसके बनाने की। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट किनारे करना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किनारे करना। चलो, इसके अलावा कुछ है? इसके अलावा कुछ है? चेंजेस इन इक्विटी, चेंजेस इन इक्विटी। इसके अलावा कोई है? अरे बोलो ना, इसके अलावा कोई है? है नोट्स टू अकाउंट्स, ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पांच हिस्से होते हैं।
और कंपनी के लिए पांचों बनाने जरूरी होते हैं। पहला होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, दूसरा होता है बैलेंस शीट, तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट्स। इज इट क्लियर? नाउ हटा सकते हैं इसको, पक्का। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है। कौन सा? हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को फॉलो करना पड़ेगा। हटा दे, अरे बोलो, नोट तो करना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। आज शायद तुम लोग के सोचने और समझने का तरीका इस लाइन से थोड़ा चेंज होगा। अगर हमें किसी कंपनी के बारे में डिसीजन लेना हो कि कंपनी के डिसीजंस सही हो रहे हैं या नहीं, कंपनी पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज कर रही है या नहीं, कंपनी फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाएगी या नहीं, कंपनी की जो सिचुएशन आज की डेट में है वो कंपनी और बेटर कर पाएगी या नहीं, कंपनी में पैसा लगाना फ्रूटफुल है या नहीं, या कंपनी के जो पॉलिसी मेकर हैं वो पॉलिसी सही तरीके से बनाते नहीं, पता नहीं क्या क्या, बताओ क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये पॉसिबल है? क्योंकि हम लोग केवल इतना जानते हैं कि ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट आर द हिस्टोरिकल थिंग। वी कैन कम टू नो ओनली वन थिंग, दैट व्हाट द अमाउंट वी हैव टू रिसीव, व्हाट द अमाउंट वी आर नीडेड टू पे थ्रू द बैलेंस शीट। ऑन द अदर हैंड, विद द हेल्प ऑफ द प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, वी कैन कम टू नो द प्रॉफिट और लॉस सिचुएशन ओनली, व्हाट हैज हैपेंड, दैट्स इट। व्हाट वुड बी हैपेंड, वी डोंट नो। व्हाट वुड बी द सिचुएशन ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर, वी डोंट नो। Then, क्या इन चीजों जो मैंने क्वेश्चन पूछे उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हो इसलिए जरूरी नहीं कि तुम्हारा जवाब उसी पर ही अटक जाए। और आपका जवाब बिल्कुल सही है। इतने जवाब पाने के लिए हमें कहां देखना पड़ेगा, यानी अगर आपको किसी कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर आपको किसी कंपनी में पैसा लगाने जाना है, तो इंस्टेड ऑफ thinking about the balance sheet and the PL account, first try to go with the cash flow statement. पहले आप cash flow statement देखो, किस कंपनी में पैसा लगा। सोचो मैं उल्टी बात कर रहा हूं, किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो ये मत देखो प्रॉफिट है या लॉस है। आज प्रॉफिट है कल लॉस हो सकता है, आज लॉस है कल प्रॉफिट हो सकता है, सिनेरियो चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। लेकिन हम कंपनी के बारे में ये जानना चाहें कि कंपनी के डायरेक्टर सही हैं या नहीं, क्योंकि हमें इतना अच्छा इतनी चीज तो मालूम है कि खराब कंपनी की पोजीशन अच्छे डायरेक्टर्स बहुत अच्छा कर सकते हैं, और बहुत अच्छी कंपनी की पोजीशन एक खराब डायरेक्टर खत्म कर सकता है, ये तो मालूम है ना। तो ये पूरा का पूरा डिसीजन जो होता है वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग पर ही डिपेंड करता है। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर आपको क्या बताएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हम लोग को मालूम है ना, थोड़ा बहुत कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों ने जान रखा है, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ को पैसा जाता है, ये बताता है हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो कैश अकाउंट ही बना लेते फिर। कैश अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में फर्क तो होना चाहिए। कैश अकाउंट से भी वही पता चलता है, यहां से पैसा आया, यहां पैसा गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी वही पता चलता है, यहां से पैसा आया और यहां पे पैसा। लेकिन डिफरेंस है, और बहुत मेजर डिफरेंस है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएल को तीन अलग अलग पार्ट में तोड़ देता है। सोचो हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, मैं जिसकी बात कर रहा हूं बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग पीएल की, उन दो को उसके हाथ पैर तोड़ करके अलग कर देता है और उस लायक बनाता है ये स्टेटमेंट कि हम डिसीजन ले सकें। जैसे अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, आपको ये पता चल जाएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आखिर हमें बताता क्या है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। हमने एसेट बेची 50 लाख में और रॉ मटेरियल परचेस किया 40 लाख का, मान लेते हैं
एक मोटा मोटी एक्सट्रैक्टेड फिगर ये निकल के आई, ज्यादा डीप में नहीं जाते और ज्यादा हम आपसे दिमाग नहीं लगवा रहे, नहीं तो बट और इफ लगाएंगे तो काफी चीजें निकल करके आएंगी। केवल एक्सट्रैक्टेड फिगर्स लेते हैं 50 लाख और 40 लाख। बताओ कंपनी की पोजीशन ठीक है या नहीं, कैश है या नहीं कंपनी के पास, कितना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब कंपनी अभी भी इस पैसे को कहीं ना कहीं यूज कर सकती है, कंपनी ने कोई गलत काम, अरे इंसानों कंपनी डूबने की कगार पे है और तुम लोग कह रहे हो कंपनी अच्छा कर रही है, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या हम इस फर्नीचर को बेच करके तुमको पढ़ा लेंगे क्या, ये तो कंपनी अपनी एसेट बेच रही है और माल खरीद रही है, कंपनी डूब रही है, कंपनी के पास पैसा नहीं है, क्या बात कर रहे हो। अब बताओ कैश अकाउंट होता तो दिखाता 10 लाख बैलेंस, हाँ दांत दिख जाते, लेकिन ये हमें दिखाता है केवल और केवल कौन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि आपका बिजनेस का डिसीजन हो कर रहा है, आपका पैसा कहां कहां से आ रहा है, कहां ले जा रहे हैं और वो कैटेगराइज कर रहा है। अब समझ में आया किस तरह के डिसीजन हम देख रहे हैं, तुम लोगों ने देखा और कह दिया नहीं, अब समझने की कोशिश करो, एसेट बेचकर हम धंधा चला रहे हैं, ऐसे कौन सा बिजनेस होता है भाई कि एसेट बेचो और जमीन बेचो और कुछ और कर ले आओ, मतलब अपने बिजनेस को चलो, ये कौन सी बात होती है। अब समझ में आई। अब आते हैं दूसरा, गुड्स सोल्ड 1 करोड़ और एसेट परचेस 40 लाख, लोन टेकन 10 लाख। बताओ कंपनी सही पोजीशन में है या नहीं। अरे बहुत अच्छी पोजीशन में है, कंपनी ने 1 करोड़ का सामान बेचा, खूब प्रॉफिट कमाया होगा, ये कैसे 40 लाख, सर ये लोन से तो केवल 10 लाख का अरेंजमेंट किया, बाकी 30 लाख तो अपने सोर्सेस से दिया। देखो ना कहां से पता चल रही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। अगर हम लोन लेते 90 लाख का, कितने का, 90 लाख, अब बताओ कंपनी ठीक चल रही है नहीं। लोन लिया 90 लाख का और एसेट खरीदी केवल 50 लाख, इसका मतलब आपने मटेरियल वगैरह पर कहीं ना कहीं लगाया होगा, वो देखने से पता चलेगा डिटेल। अब समझ में आ रहा है किस तरह से पता चल रहा है, तो हमें ये डिसीजन कौन देगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैसे देगा जरा ढंग से देखना, अपने आप खत्म होता चला जाएगा। मैं यहां पर एक कैश फ्लो स्टेटमेंट इन टोटालिटी 3 पार्ट में तोड़ा जाता है, कितने पार्ट में, 3 पार्ट जो भी हम कर रहे हैं, दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ये याद रखना, तो साथ साथ आपका AS3 भी चल रहा है। हमें बताता है, देखो ना सुनो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बोलो। हमने अपने कैश फ्लो को 3 पार्ट में तोड़ा, बिजनेस में जितना पैसा आया, बिजनेस से जितना पैसा गया, जितना पैसा आया उसको 3 पार्ट में। फ्लो का मतलब होता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो बोथ, यहां पर भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो बोथ, यहां पर भी पैसा आना और जाना। फ्लो का मतलब क्या हुआ, दोनों इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो, इज इट क्लियर, पक्की बात है। हमने अपने बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को 3 पार्ट में तोड़ दिया। ये एक्टिविटीज आई कहां से जानते हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, मैंने अपनी बैलेंस शीट के हाथ पैर तोड़ दिए, मैंने अपने ट्रेडिंग पीएल के हाथ पैर तोड़ दिए, ये भी रिपीट करना जरूरी था इसको ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ये समझाने के लिए बोला जाता है, तुमसे बोलने की उम्मीद नहीं करते, समझे। इधर देखो, ट्रेडिंग एंड पीएल ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, ये क्या है ढंग से सुनना, ये हमारी हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पक्का।
इसमें कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं, इतनी मार खाओगे। यहां होता है स्टॉक, ये कहां से आता है? यहां होता है डेटर्स, वो कहां से आता है? कहां से आता है? यहां होता है क्रेडिटर्स, वो कहां से आता है? बोलो ना, नहीं आता। यहां होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो कहां से आते हैं? एक्सपेंसेस से, अरे हाँ। और यहां पर आता है कैश, अरे बना ही रहे कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसको किनारे रखो। बात समझ में आई? यहां आते हैं तुम्हारे प्रीपेड या एडवांस, वो कहां से आते हैं? बात समझ में आई? तो हमारा ये भी क्या है, बैलेंस शीट का ये हिस्सा, ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। आई दादा, नहीं समझ में आई बात? बैलेंस शीट का ये हिस्सा भी मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। नहीं, सेल होगी तो डेटर होगा, परचेस होगा तो क्रेडिटर होगा, स्टॉक तो वहीं से आया है, वहां नहीं होता तो यहां भी नील बट्टा सन्नाटा होता। प्रीपेड है तो इसी एक्सपेंसेस और इनकम से है, आउटस्टैंडिंग है तो भी इसी इनकम और एक्सपेंडिचर के कारण है। हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, यहां पर आप लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां आप लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहां आप लिखते हैं डिबेंचर्स, और यहां लिखते हैं लॉन्ग टर्म लोन। नहीं लिखते हैं? लिखते हैं ना। और यहां पर आप लिखते हैं फिक्स्ड एसेट्स, तो एसेट को आप खरीदते और इन्वेस्टमेंट को आप खरीदते और ये होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, क्या कर रखा है? पैसे को मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, ये कहलाती है मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये पैसा लिया है, फाइनेंस इकट्ठा किया है, सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारे इक्विटी है, सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारे डिबेंचर है, सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारे प्रेफरेंस है, सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स है। ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है, फाइनेंस है, फाइनेंस है, तो कौन सी एक्टिविटी? ये हमारी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब सुनना, मैंने क्या कहा, हाथ पैर तोड़ दिए, देखो ना सामने दिख रहा है पूरी बैलेंस शीट और पीएल के हाथ पैर तोड़ दिए, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लेकिन हमको केवल वही चीजें कंसीडर करनी है जिससे कैश आया और कैश गया, कैश आया कैश गया। नॉन कैश आइटम्स की जगह तो पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं नहीं है। सर नॉन कैश आइटम, हाँ इसमें जरा देखो तो डेप्रिसिएशन होता है, नॉन कैश आइटम होता है, उसकी जगह तीनों में कहीं नहीं है। इसमें देखो हमारा एक और एक्सपेंसेस होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, मिसलेनियस एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, अरे वो उसमें ना तो कैश आता है ना तो कैश जाता है। बोलो, तो जिसमें ना कैश आए ना कैश जाए, ना तो इसका हिस्सा ना तो इसका हिस्सा ना तो इसका हिस्सा, बात खत्म। पहली चीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कितना पैसा प्लस हुआ वो यहां लिखोगे, कितना पैसा माइनस हुआ वो यहां लिखोगे। आपका आना आपका जाना, कैश का आना और कैश का जाना, वो आता है। पूरा गाना गाने का मन कर रहा है इसका। इधर देख, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं, एसेट आती है, एसेट मैंने खरीदी तो पैसा आएगा, एसेट खरीदी तो जाएगा, पैसा जाएगा, तो एसेट खरीदने पर पैसा जाएगा और एसेट बेचने पर पैसा आएगा। मार्केट से पैसा इक्विटी शेयर से लेंगे तो आएगा, शेयर वालों को पेमेंट करेंगे या लोन का पेमेंट करेंगे तो जाएगा, ठीक है ना। हमें केवल कैश आना और कैश जाना, इसकी बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। इनके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, कितना पैसा आया और कितना पैसा, यानी अब हम लोग अपनी स्टार्टिंग करेंगे, एक बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, एक पूरी ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद हम इन तीनों के बारे में लाइन बाय लाइन बताएंगे। तो 10 मिनट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा हेल्प करेंगे आप लोग पीएल और बैलेंस शीट बनाने में, ठीक है ना। हमने यहां पर चूंकि कंपनीज में ये रिक्वायरमेंट होती है कि टी फॉर्म में बैलेंस शीट बनानी है, किसमें बनानी है, हॉरिजॉन्टल बनानी है, किसमें बनानी है, वर्टिकल फॉर्म में बनानी है, जितना बोलोगे गलत बोलोगे, वर्टिकल टाइप में बनानी है, किसमें बनानी होती है। अब ये गलत नहीं है,
हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आप नहीं बना सकते बैलेंस शीट, टी फॉर्मेट में नहीं बना सकते, आपको वर्टिकल बनानी है, ठीक है ना। टी फॉर्मेट मालूम है ना, लेकिन हम लोग टी फॉर्मेट में ही बनाएंगे ताकि कम जगह पर चीजें आ जाएं और हम अपनी चीजों को समझ सकें। बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या, एक लाइन और सुनना ढंग से। ये बैलेंस शीट है, ये ओपनिंग फिगर होती है साल के शुरू में और ये साल के अंत में। मैंने इसमें साल के शुरू में दिखाया था कैश 2 मिनट के लिए 1000 रुपए और साल के अंत में दिख रहा है 2500। कितना दिख रहा है? 2500 दिख रहा है ना। इसका मतलब इसमें 1500 और आया। 1500 कहां से आया? 1500 हो सकता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, हो सकता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, हो सकता है या तो तीनों से कुछ ना कुछ आया होगा, या तो किसी एक में बहुत ज्यादा गया होगा, दो से आया होगा, कुछ भी हो सकता है। प्लस माइनस मिलाकर नेट 1500 आया, ये मालूम है। तो हमें तो यही देखना है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि सुबह सुबह हमारे पास कितना था? 1000। एक साल तक ये ट्रांजेक्शन्स हुए और इसमें प्लस हो गया 1500, तभी तो आया होगा क्लोजिंग 2500। बोलो, हमें बस कैश फ्लो स्टेटमेंट यही दिखाता है कि शुरुआत आपने कहां से की और अंत अगर यहां तक है तो वो किसके थ्रू है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट के, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू कितना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू कितना और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के थ्रू कितना। ये हमें केवल बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट तीनों को कैटेगराइज करते हुए। चलो सपोर्ट करो, ट्रेडिंग एंड पीएल बना देते हैं, ऊपर कर देते हैं। हाँ बोलो, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाएगा। हाँ, अब एक एक करके बताना। सबसे पहला सैलरी, बोनस, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन चार्जेस, रेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, टूर्स एंड ट्रेवल्स। हमको लाइन से लिखना था लेकिन जगह चूंकि कम है तो मैंने टूर्स एंड ट्रेवल्स। अब समझ में आ गया होगा किस तरह के खर्चे लिख रहे हैं। अच्छा, मिसलेनियस भी लिख दूं। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट ऑन सॉरी लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट या इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट छोड़ देते हैं, डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये आ गया नेट प्रॉफिट। बोलो, कुछ छूटा हो आ जाएगा। वैसे इंटरेस्ट रिसीट, डिविडेंड रिसीट, ये हो गया आपका। बैलेंस शीट बताओ, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स एंड
डेटर्स के साथ आप बीआर भी लिख सकते हैं और यहाँ चाहें तो प्रीपेड भी लिख सकते हैं। फिलहाल इसको हम किनारे करते हैं, आएगा तो उसकी जरूरत देख लेंगे। इधर देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स या लोन, बोलो। हाँ, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, यही लिखते लिख देते हैं प्रीपेड। जब आउटस्टैंडिंग लिखे हैं तो प्रीपेड से चिड़ क्यों, बस ये हमारे सामने बैलेंस शीट है। हम अब इसका करेंगे कल्याण, कैसे? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर, और ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगा एज पर AS 3। हमने आज आते ही आप लोगों को ये बताया कि हमें सारी एक्टिविटीज तीन पार्ट में बांटनी है। कितने में? तीन पार्ट में। पहली होगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बोलो, कोई दिक्कत? फॉर्मेट समझ में आ रहा है? इन्हीं चीजों को तो यहां ले जाना है। सबसे पहले इसको खत्म कर देते हैं, एक मिनट लगेगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज केवल इन दोनों से ही तो आएगी, बोलो हाँ या ना? एसेट अगर बेचेंगे तो पैसा, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, पैसा आया ना? ये याद रखना, जिसका जो घर हो उसी घर में ले जाना। अगर कोई गलत घर में बैठा है तो उसको कॉलर पकड़ करके उसके घर पे वापस छोड़ देना। बात समझ में आई? नॉन कैश आइटम का कहीं कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी यहां पर, बस इतनी ही बात याद रखनी है। चीजों को अपने सही घर में ले जाना, दूसरा नॉन कैश आइटम्स को कहीं ना दिखाना। पैसा आया है, हो सकता है गलत घर में लिखा हो। इसमें क्या तुमको कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दिखती है? क्या तुम्हें ट्रेडिंग पीएल में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दिखेगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इसमें दिखेगी? हाँ दिखेगी। अगर नहीं होता तो इसको बनाने की जरूरत क्या थी? जब इसी में ही ऑपरेटिंग था तो बनाया क्यों था? जरूर इसमें भी कोई ना कोई फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज शामिल हैं या नॉन कैश आइटम शामिल हैं जिनको हटाना है। जैसे हमारे लिए ये कोई मायने नहीं रखता, ये किसी घर का हिस्सा नहीं बनेगा, बोलो। अच्छा, डिविडेंड, डिविडेंड किस पर देते हो? डिविडेंड किस पर देते हो? शेयर होल्डर पे। और तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले बोला था ये कौन सी एक्टिविटी है, ये अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो इसका जो डिविडेंड होगा वो कौन सी एक्टिविटी होगा? अरे यहाँ केवल ऑपरेटिंग नहीं है, इसमें एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी छुप करके बैठा है, उसको निकाल, सही घर में रखना। निकाल बाहर मत करो, सही घर में ले जाओ। हाँ, निकाल बाहर इसको करो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को, डेप्रिसिएशन को, कोई मतलब नहीं, नॉन कैश आइटम्स है। ये सारे कैश आइटम्स हैं। नॉर्मली देखो तो ये सारे क्या होते हैं? कैश है नॉर्मली, जब तक वो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड ना हो। प्रीपेड है तो भी देखो तो वो कौन सा एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। देखते हैं, सुनना ढंग से इसको। ट्रांसफर टू रिजर्व कोई एक्टिविटी नहीं है, नॉन कैश आइटम है ट्रांसफर टू रिजर्व।
मेरी जेब में 100 रुपए है, 50 रुपए यहाँ से निकालकर नीचे वाली पेंट वाली जेब में रख दिया तो भी मेरे पास ही 100 रुपए हैं, जगह बदल देने से पैसे कम नहीं हो जाएंगे, वो मेरे ही रहेंगे। तो ये ट्रांसफर टू रिजर्व नॉन कैश आइटम है। डिविडेंड कौन सा आइटम था? गया कैश। ये तो मालूम है कैश गया माइनस होना है, गया है तो कहीं ना कहीं से, लेकिन सही जगह से माइनस होगा, गलत जगह पे माइनस हुआ है। तो जहां गलत जगह से माइनस हुआ है वहां पहले प्लस कर दो। माइनस करना है सही जगह से, माइनस करना है कहां से माइनस करेंगे? अरे बस इतना याद रखना है, अगर पैसा गया है तो कहीं ना कहीं से माइनस होगा इन तीन में से, और आया है तो कहीं ना कहीं प्लस होगा। लेकिन अगर गलत घर से माइनस हो गया तो पहले प्लस करो और सही घर से माइनस करो, अपने आप सही हो गया। और गलत जगह पर प्लस हुआ है तो वहां माइनस करके सही घर में प्लस करना है, बस इतना सा ध्यान देना, और कुछ नहीं है इसमें, गलतियां बस इसी में ही हो जाती है। चलो डिविडेंड, इसके अलावा कोई नहीं, इसके अलावा कोई है? इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी तो लोन इसी इंटरेस्ट पर गया होगा, ये भी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इतने का कर रहा है, इसको भी यहां से निकालो और सही घर में ले जाओ। अच्छा, इनकम साइड में कोई दिक्कत है? ये दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं भाई। हमने किसी शेयर में पैसा लगाया होगा तभी तो डिविडेंड मिला, हमने कहीं डिबेंचर में पैसा लगाया तभी तो इंटरेस्ट मिला। ये कौन सी एक्टिविटीज हैं? ये फाइनेंसिंग, हर चीज फाइनेंसिंग, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं। यहां से हटाओ, यहां प्लस हो चुका है ऑपरेटिंग में, यहां से माइनस करके जहां प्लस होना चाहिए वहां प्लस करना। देखो ना कितना सिंपल है, दिमाग लगाने की जरूरत ज्यादा सारा दिमाग इसी में ही जाएगा बेटा। देखो इधर, अब आते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, यही तो एक बचा है बीच में। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? एसेट्स को बेचने पर लॉस हुआ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है या इन्वेस्टिंग? नॉन कैश आइटम है भाई। नहीं नहीं नहीं, मैंने गलत बोल दिया क्या? चलो तुम लोग का ज्ञानवर्धन कर देते हैं, मींस नॉलेज बूस्ट करते हैं, जरा देखते हैं क्या तुम लोग जानते हो डेबिट क्रेडिट के बारे में, आज तक कहाँ समझे हो। एक छोटी सी बात, ये अलग से क्वेश्चन है, इस टेबल का हिस्सा नहीं है। हमारे पास एसेट थी 50,000 की, सेल कर दिया हमने 60,000 में, इसकी जर्नल एंट्री बताओ। मेरे पास एसेट, चलो छोड़ दो दूसरे को, चलो बताओ एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कितने में? अच्छा, एसेट कितने में गई? 50, प्रॉफिट हो गया ना 10, कहाँ लिख देंगे? टू प्रॉफिट ऑन सेल, अरे बोलो ना कितना? 10,000। ये प्रॉफिट ऑन सेल कहाँ जाएगा? पीएल के क्रेडिट में। कितना बताओ प्रॉफिट ऑन सेल कैश आइटम है या नहीं? 50,000 की चीज आपने 60,000 में बेची तो 10,000 का जो फायदा हुआ है वो कैश आइटम है या नहीं? अरे बोलो ना सीधे से, तुम लोग के मुंह से जवाब क्यों नहीं निकलता है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, पक्का ना? अच्छा एसेट है 50,000 की और सेल तूने किया 45,000 में, तो कितना आया? कितने से लॉस हो गया ना? कितने रुपए से? 45,000, 50,000 की चीज आपने 45,000 में बेची, बताओ 5,000 रुपए कैश आइटम है या नहीं? 50,000 की चीज 45,000 में बेची, बताओ 5,000 रुपए कैश का नुकसान हुआ या नहीं? तुम बोल रहे हो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कहां लिखा तुमने लॉस ऑफ स्टॉक कैश? पहले तो ये बताओ ये कैश आइटम है या नहीं? नहीं, ये कैश आइटम है या नहीं? है। इतनी मार खाओगे तुम लोग, डेबिट क्रेडिट को भी आज शर्म आएगी। तुम लोग एक को कहते हो, एक ही आइटम को तुम लोग कहते हो सही या गलत, ये कौन सी मतलब हमको तो कहीं से समझ नहीं आ रहा।
ना तो ये कैश आइटम है, ना तो ये कैश आइटम है, ना तो ये कैश आइटम है, ना तो ये कैश आइटम। कैश आइटम केवल ये है, पैसा आना और पैसा जाना। जहां बैंक और कैश लिखा होगा वही तो कैश आइटम है। तुम लोग इन चीजों के पीछे काहे पड़ गए हो भाई? हमें सैलरी देनी है 50,000। कितनी देनी है? तो मैंने एंट्री की सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000, और पेमेंट कितनी की जानते हो? 40,000। कितनी? 40,000। तो 10,000 क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो अब बताओ कैश आइटम कितने का है? 40,000। कैसे मालूम? तो इसी को ही तो देखा तुमने। ये कैश आइटम नहीं है, ये कैश आइटम नहीं है, नहीं है। कैश आइटम केवल एक ही है, 40,000। जहां बैंक और कैश दिखे वो कैश आइटम है भाई। अब समझ में आया? अकाउंट्स की तुम लोगों ने क्या कर दी है? वाट लगा दी है। सोचो ना, आज तक हम लोग को यही नहीं मालूम था कि जो हम लोग एंट्रीज करते हैं उसमें कैश आइटम कितने का। अब समझ में आया? अब तो ये कभी गलती नहीं होगी ना। और मैक्सिमम गलती बस इस चक्कर को ना समझने के कारण हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट गड़बड़ा जाता है। देखो इधर, तो अब ये समझ में आया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हमारा कैश आइटम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हमारा कैश आइटम। अरे आधी टेंशन तो यही खत्म। तो जो चीज काट दी उसको कहीं यूज नहीं करना है। और अब आते हैं, बात करते हैं। हमारे पास सुबह सुबह 100 रुपए पड़े हुए थे। कितने? 100 रुपए पड़े थे। अगर इन सारे में से, सुनो, 100 रुपए पड़े हुए थे, सारे में से हम केवल कैश का आना और कैश का जाना ले रहे हैं। मेरी बात समझना। 100 रुपए पड़े हुए थे, ये इस साल का ट्रांजेक्शन है, इसमें पिछले साल का कुछ नहीं है। तुम लोग को अच्छी तरह मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग एनपीएल केवल और केवल केवल और केवल केवल और केवल इस साल का ही बताता है। पिछले साल से इसका कोई लेना देना नहीं होता। पिछले साल का कोई खर्चा इसमें नहीं आएगा, अगले साल का कोई खर्चा इसमें नहीं आएगा, पिछले साल की कोई इनकम इसमें शामिल नहीं होगी, अगले साल की कोई इनकम इसमें शामिल नहीं होगी। एक्रूअल सिस्टम पर बनता है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड उसी लिए तो है। अब बात समझ में आई? यानी हम केवल ये जो खर्चे और इनकम दिख रहे हैं केवल और केवल इस साल के हैं, केवल और केवल इस साल के। पक्का? अभी तो तुम लोग को अगर बेसिक एंट्रीज दे तो गारंटी देते हैं, तुम लोग क्या करोगे? सही कर देंगे। चलो देते हैं, थोड़ी देर में हम भी दांत दिखाएंगे, चिंता मत करो। इधर देखो, गलत करोगे इंसान क्या करोगे? 11th स्टैंडर्ड की जर्नल एंट्री देंगे और तुम लोग क्या करोगे? गलत करोगे। देखो इधर, करे सही कर देंगे। ऐसे कैसे सही कर लोगे? इधर देखो, कॉन्फिडेंस में लूज नहीं कर रहा, चिंता मत करना, मैं केवल बता रहा हूँ, चीजों को समझने की कोशिश करो, है बहुत अच्छी चीज। 100 रुपए था, इसका मतलब ये पिछले साल का था, इस साल से इसका कोई लेना देना। ये जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं सब इसी साल के हैं, हाँ या ना? अच्छा, इन सब का कैश आना जाना मिला करके, सबका मिला करके प्लस 2000 हो गया। कितना हो गया? प्लस 2000। इन सबको अगर इस साल का कैश, क्योंकि नॉन कैश मैंने हटा दिए, ना इनकम ना खर्चा, बाकी सारी एक्टिविटीज का कैश आया, सारी एक्टिविटीज का कैश गया। बताओ 2000 रुपए आया तो साल के अंत में मेरा कैश कितना बचना चाहिए? 2100। 100 रुपए सुबह सुबह था, साल भर में ये ट्रांजेक्शन से पैसा आया होगा या गया होगा, नेट 2000 और आ गया। तो 100 पहले था, 2000 और आया, टोटल कितना हो गया? 2100। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2100। ये जो 2000 आया है मेरे पास, ये तीन जगहों से आया होगा, इससे इससे इससे। हमको केवल यही बताना है इस 2000 में कितना हिस्सा इसका प्लस या माइनस, इसका कितना हिस्सा प्लस या माइनस, इसका कितना हिस्सा। अब समझ में आई बात? हमें और कुछ नहीं चाहिए। सुनना, हमने 500 में कोई चीज बेची और 400 में कोई चीज खरीदी थी, 2 मिनट के लिए शॉर्टकट में 300 में, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना बचेगा? 200। हमारे पास 200 आया,
₹10 इसका आ गया, और ये जो आइटम्स काटे हैं हमने, मान लेते हैं नॉन कैश आइटम ₹30 के थे, कितने के, और ये ₹80 के ये कैश आइटम्स थे, बता सकते हो कितना बचा होगा? यही तो बचा होगा, दो मिनट के लिए मान लेते हैं, छोटे एक फिगर को ले लेते हैं, 210 माइनस 80 30 110 बचा 100, क्लियर है? हम इसको दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरे हाथ में कैश कितना बचा, देखना ढंग से सुनना, इसको कैलकुलेशन का दो तरीका है, कैश कितना बचा, कितना कैश बचा। पहला तरीका, 500 में से 300 निकाल लो, क्योंकि कैश गया, दो मिनट के लिए मान लेते हैं कुछ भी नहीं बचा, 300 गया, बचा कितना 200 में से 10 वो है जो इसका नहीं है, तो उसको शामिल ही मत करो, ये 10 कहां जाना चाहिए, अपनी जगह ले जाना, तुम्हारे पास कितना बचा ऑपरेटिंग का 200, 200 में से 80 कैश चला गया, ऑपरेटिंग में बचा कितना 120, 30 तो है ही नहीं यहां का, तो ऑपरेटिंग का कितना रिजल्ट आ गया। अब बात समझ में आ रही है नहीं? दूसरी तरह भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, जानते हो कैसे, जानते हो कैसे, हमारे पास बचा कितना है, मान लेते हैं ये ₹100 मेरे पास बचा, लेकिन ₹30 माइनस करने के बाद वो ₹30 जो कैश आइटम तो है ही नहीं, तो इसका मतलब मेरे पास ₹130 कैश होगा। हम दिखा रहे हैं नेट प्रॉफिट ₹100, नेट प्रॉफिट ₹100 उस समय दिखा रहे हैं जब ₹30 ऐसा माइनस किया है जो गया ही नहीं, जो, तो इसका मतलब मेरे पास था कितना 130, हाँ या ना, वापस जोड़ दिया, और ये ₹10 तो यहां का है ही नहीं, इधर क्यों रखे हो, है, आया है लेकिन यहां का नहीं है, दूसरी एक्टिविटी का है, तो उसको हटाओ, 130 में अगर 10 दूसरे जगह का है तो इस जगह का कितना है ऑपरेटिंग का 120, आ तो गया। ये दूसरा तरीका है, तो ऊपर से चलोगे तो भी आंसर वही आएगा, नीचे से पिक करोगे तो भी वही आएगा, बात समझ में आई? दो मैथड हो गए, क्लियर है? इसके एक मेथड को हम अभी सिखाएंगे, दूसरा मेथड जब हम लोग फर्स्ट मेथड पर काफी सारी प्रैक्टिस कर लेंगे, 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो हमें बहुत आसानी से सेकंड मेथड समझाने में आसानी रहेगी। आते हैं दूसरा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से पैसा आया, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट से पैसा गया, बोल सकते हैं ना, या इन्वेस्टमेंट खरीदने पर पैसा गया, या इन्वेस्टमेंट बेचने पर पैसा आया, बोलो बस ना, इन्वेस्टिंग में इसके अलावा कुछ होता है क्या? अरे होता ही क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड वो भी इसी का हिस्सा है, लेकिन यहां जोड़ने से पहले ये जहां जुड़ा हुआ है वहां से हटाओ, हटाए ना, तो तुमने कहा सर डिविडेंड यहां से हटा दीजिए, क्योंकि ये इसका हिस्सा नहीं था, गलत जगह रखा था, हटा दिया, और जिसको सही जगह पर ले जाना था रख दिया, कोई फर्क पड़ा क्या, एक माइनस एक प्लस, फर्क कुछ नहीं पड़ा, लेकिन चीज अपनी सही जगह पर चली गई। अच्छा, इसी तरह इंटरेस्ट रिसीव्ड, बोलो उसको भी यहां से हटा दो, और इंटरेस्ट रिसीव्ड यहां ले जाओ, जहां ले जाना है अपने सही घर में ले जाओ। अच्छा, इसके बाद डिविडेंड पेड जो था, ये डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड हमने यहां लिख दिया, नेट प्रॉफिट कितना ₹100, 100 में से ये हटा दिया ₹10, अब बचा कितना 90, ये ₹30 यहां का नहीं है, नॉन कैश आइटम्स है, नॉन कैश आइटम है, ₹30 घटाने के बाद ₹100 आया है, जबकि ये माइनस तो होना ही नहीं चाहिए था, वापस ऐड कर दो, प्लस कर दो नॉन कैश आइटम्स, क्या करोगे, बोलो, प्लस कर दिया नॉन कैश आइटम एक्सपेंसेस, अगर इनकम की तरफ लिखा हो नॉन कैश आइटम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो उसको हटाना भी तो पड़ेगा इनकम, अगर लिखा हुआ है तो हटा दो, लेकिन ये कहीं जाएगा नहीं फिर, क्योंकि नॉन कैश आइटम है, किसी घर में इसका हिस्सा, बोलो खत्म है, अब क्या बताएं, इसमें क्या बताएं, इश्यू ऑफ शेयर करोगे तो पैसा आएगा, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर करोगे, इश्यू ऑफ डिवेंचर करोगे, लोन लोगे, अच्छा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करोगे, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर करोगे, लोन रीपे करोगे, अच्छा और पैसा गया है इंटरेस्ट ऑन लोन और डिविडेंड,
यहाँ का हिस्सा नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन और डिविडेंड जो हमने दिखा दिया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यहाँ शामिल है, हटाओ उसको पहले तो, हटाओ, वहां का हिस्सा नहीं है, हमने घटा दिया है। तो जहां घटाना चाहिए था वहां घटाओ, और जहां नहीं घटाना चाहिए था वहां ऐड करो। अब बात समझ में आई? प्लस कर देंगे इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, बोलते क्यों नहीं? और जहां माइनस होना चाहिए तो इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। क्लियर हुआ? मेन ये स्टोरी है, हमने कुछ किया नहीं, नॉन कैश आइटम को कहीं नहीं ले गए, जो लेकिन जिसके घर का था वहां पर रख दिया। अब तुम लोगों ने इतना तो बोल दिया, ये चीजें अब समझ में आई, लेकिन मैंने कहा कि तुम लोगों ने इसका एडजस्टमेंट कर लिया पूरा, बोलो इसका एडजस्टमेंट कर लिया पूरा, इसका तो कुछ नहीं किया ना। हम तो ये मानकर चले कि सेल्स पूरा कैश आ गया, हम तो ये मानकर चले पूरा सेल कहां आया, डेटर्स बचे हुए हैं, इसका मतलब ये कैश नहीं आया। हमने इसको मानकर किया नेट प्रॉफिट जो है पूरा कैश में आ गया। अरे नेट प्रॉफिट में वो प्रॉफिट भी शामिल हो गया कैश में जो सेल उधार बेची थी और अभी उधार का पैसा मिलना बाकी है, तो इस पर जो प्रॉफिट है वो तो हटाओ ना। मेरी बात समझ गए? जो पैसा अभी मिला नहीं है वो कैश एक्टिविटीज में कैसे शामिल करके रखे हो, उसको वहां से हटाना पड़ेगा। यानी इनका एडजस्टमेंट अभी बचा हुआ है। और मैंने कहा ये सारे के सारे किस एक्टिविटीज के हिस्सा होते हैं, क्या ये तो मैंने नहीं बोला, मेरे हाथ रखने से ही बोलोगे इसका। अब बात समझ में आई? ये सारे किस चीज का हिस्सा होते हैं? अब तुम लोग बताओगे पैसा आया या गया। साल के शुरू में 50 लेना था, साल के अंत में 60 लेना बाकी है। मेरी बात समझना, साल के शुरू में मैंने कहा मुझे 50 रुपए डेटर्स से लेना बाकी है, जबकि साल के अंत में दिख रहा है, जबकि ये मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं कैश फ्लो, वो दिखाता है 60 रुपए लेना बाकी है। तो इसका मतलब मेरी जेब में पैसा आया या गया? मुझे इससे 50 रुपए लेना बाकी है साल के शुरू में, साल के अंत में इसका अकाउंट दिखा रहा है 60 रुपए लेना बाकी है मुझे इससे, इसका मतलब पैसा मेरी जेब से गया, उल्टा मैंने माल खरीद करके इसको बेचा होगा। दिखा दें डेटर्स अकाउंट, ये डेटर्स अकाउंट है, ये ओपनिंग बैलेंस होता है, ये क्लोजिंग बैलेंस होता है, साल के शुरू में कितना था, साल के अंत में कितना है, सेल कितना मानना चाहते हो? सर कुछ भी मान लेंगे, ऐसे ही कुछ भी मान लोगे तो आंसर सेम आएगा क्या? 1,00,000 मानेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, 2,00,000 मानेंगे तब भी आंसर सेम आएगा? बोलो हाँ, अरे बोलो ना, बोलो हाँ, नहीं ना, अरे बोलते क्यों नहीं तुम लोग? यहाँ 1,00,000 रखें तो भी आंसर सेम आएगा, 1,50,000 रखें, 40 रखें तो भी? बोलो हाँ, वही तो जादू सीखना है ना, बोलो। अच्छा बोले, कितना रख दे बताओ, बात भी तुम छोटी ही करोगे, 100 रुपए। तो बताओ इसका मतलब पैसा कितना आया, 110। सेल किया 100 रुपए का, पैसा आया 110, दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 रुपए ना, 10 रुपए ना, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? सर इसमें आपने बैड डेट्स वगैरह नहीं लिखा, तो बैड डेट्स तो नॉन कैश आइटम होता है, उसको तो हम लोग यहीं एडजस्ट करके हटा देते हैं, फिलहाल उसकी बात मत करो। बात समझ में आई? डिफरेंस हमेशा बराबर ही आएगा, कुछ भी फिगर रख लो, पैसा आया ना 110, जरूर माल खरीदा होगा, जरूर माल खरीदा होगा, परचेस का भी तो डिटेल साथ में देखना है, कि वन साइडेड सेल का ही देखोगे, परचेस का भी डिटेल साथ में देखोगे ना, तो सेल किया 100, पैसा आया 110, डिफरेंस कितना है दोनों का, 10, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10, डिफरेंस हमेशा कितना रहेगा, बराबर। तुम 1,00,000 रखोगे तो भी 10-10 रुपए का ही डिफरेंस रहेगा, उससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं रहेगा। इसका मतलब यहाँ पैसा गया, देखो तो टू बैंक यानी पैसा, उल्टा मैंने सेल यहाँ लिखना था, सॉरी बात वही पड़ेगी, तब भी कोई पैसा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कितना लिखना चाहते थे, 100, तो यहाँ बैंक में कितना आ जाएगा, 150-60, कितना हो गया, 90, डिफरेंस कितना आएगा, 10, ठीक है ना, 10 रुपए कम आए। देखो 100 रुपए का माल बेचा है लेकिन 10 रुपए कम आए, 100 रुपए का माल बेचा लेकिन 10 रुपए कम आए। अब बात समझ में आई? कम आए का मतलब माइनस में, कम आए का मतलब माइनस में, जितना आना चाहिए था उतना
डिफरेंस कितना 10, इसका मतलब इसमें सेल में 10 रुपए हमने वो शामिल करके रखा है जो अभी मिला, तो बात तो तब भी वही है, 50-60 का डिफरेंस भी वही 10 दे रहा था, और इसको एनालिसिस करो तो भी डिफरेंस 10 रुपए ही देता है, आया यहां से, पता यहां से चलेगा, लेकिन हमने इसी को बेस ले लिया क्योंकि हमको मालूम है दोनों का रिजल्ट सेम होता है। अब बात समझ में आई, यहां से पता चल रहा है कि माल गया है 100 रुपए का, आया 90, तो सेल में हमने 100 रुपए लिखा है, जबकि लिखना कितना चाहिए था, आया कितना 90, 10 रुपए यहां पर ऐसा लिखा है जो आया, तो इसको ना देखकर हम इसी से पता कर सकते हैं कि 10 रुपए आया, बस। अब बात समझ में आई, ओनली विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग वी कैन नॉट फाइंड अ रिजल्ट, बट यस इफ वी एनालाइज द अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, देन वी कैन कम टू नो यस वी हैव रिटन 100 रुपीज एज अ सेल, एंड ऑन द अदर हैंड वी रिसीव्ड ओनली ₹90, इट मींस वी हैव रिकॉर्डेड ₹10 व्हिच हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स बट हैज बीन गिवन अ क्रेडिट इन आवर ट्रेडिंग एंड पीएल, और ट्रेडिंग और पीएल के हिसाब से ही तो हमने अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेट प्रॉफिट दिखा दिया 100 रुपए, इसी 500 पर तो दिखाया, और 10 रुपए इसमें शामिल नहीं है, जो आया ही नहीं है उसको शामिल करते हुए मैंने 100 दिखाया, इसका मतलब हटाना पड़ेगा। अब बात समझ में आई, हमको तो वही दिखाना है ना जितना आया, क्लियर है? अब क्लियर हुआ कैसे? तो हमारा डेटर्स में बताओ पैसा आया या गया, पहले 50 रुपए लेना था, अब 60 रुपए लेना है, इसका मतलब मैंने उल्टा माल इसको ज्यादा बेच दिया, मेरे पास पैसा कम आया, तो 60 रुपए यानी माइनस कर देंगे, पैसा तो गया ना, कम आने का मतलब पैसा तो गया ना, या कम आने का मतलब हमने इसमें फालतू का शामिल कर रखा है ना, और कैश एक्टिविटीज माइनस में जबकि हमने उसको प्लस में शामिल कर रखा है ना, तो माइनस कर दो उसको। इंक्रीज इन डेटर्स, कितना इंक्रीज इन डेटर्स, यानी डेटर्स के इंक्रीज होने पर पैसा जाता है, इसी तरह अगर डिक्रीज हो जाए 50 से 40 हो जाए, तो इसका मतलब पहले इससे लेना तो 50, अब लेना है 40, उल्टा पैसा आ गया, उल्टा पैसा यानी डिक्रीज होने पर पैसा आता है, डिक्रीज होना होने पर पैसा आता है, तो अब डेटर्स लिखो या बीआर, बात तो एक ही होगी, बोलो ना, ये पैसा आ गया, तो डेटर्स की बात हो गई, बीआर की बात हो गई, कैश का तो हम लोग खुद बना ही रहे हैं सारा ओपनिंग और क्लोजिंग। अच्छा स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक अगर बढ़ गया, ओपनिंग स्टॉक था 80, क्लोजिंग हो गया 100, 20 रुपए गया ही तो होगा, तभी तो स्टॉक बढ़ा है। स्टॉक कैसे बढ़ता है? अपने मन, पैसा गया होगा तब तो बढ़ा होगा, तो 20 रुपए गया, इंक्रीज इन स्टॉक, तो जब स्टॉक बढ़ेगा तो पैसा इंक्रीज, डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक घटेगा तो पैसा, यानी इन सब में अगर इंक्रीमेंट होगा ओपनिंग के मुकाबले तो पैसा इंक्रीज होगा तो पैसा, और डिक्रीज होगा तो पैसा, डिक्रीज होगा तो पैसा, इंक्रीज होगा तो पैसा, कोई दिक्कत? इसका जस्ट रिवर्स ये होगा, क्रेडिटर्स, इसको हमसे लेना था 50, अब साल के अंत में देख रहा है 60 रुपए लेना बाकी है, यानी हमको देना था, एक तरह से देखो हमको देना था 50, साल के अंत में मैं देख रहा हूं 60 रुपए देना बाकी है, तो इसका मतलब उल्टा पैसा आ गया और ले लिया होगा मैंने, तभी तो पहले 50 देना था अब 60 देना है, तो 10 रुपए उल्टा आ गया, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स पैसा बढ़ाता है, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स पैसा बढ़ाता है। मेरे को तुम्हें 50 रुपए देना था, साल के अंत में देखा 60 रुपए देना है, इंक्रीज हो गई क्रेडिटर्स लायबिलिटी, इसका मतलब 10 रुपए तुमसे ले लिया होगा, तभी तो और ज्यादा देना है। बोलो, बीपी सेम है, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स एंड बीपी, अब समझ में आई बात? बस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारे केवल ये थे, इसका भी हम लोगों ने पूरा एडजस्टमेंट कर लिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सेम उसी तरह से, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहा है इसका मतलब मेरे पास पैसा आ गया, मुझे इसको सैलरी का देना था साल के शुरू में 10,000, साल के अंत में दिखा रहा है 15,000 देना बाकी है, इसका मतलब मैंने 5,000 रुपए अपने पास रोक लिए हैं, बात तो वही पड़ी, समझ में आई बात? अब सिस्टम समझ में आया, इसको ऐड करोगे प्लस माइनस करोगे ये आएगा ए, इसको प्लस माइनस करोगे ये आएगा बी, और इसको प्लस माइनस करोगे ये आएगा, ये बताएगा पूरे दिन भर का रिकॉर्ड, सुबह से शाम तक का या पूरे एक साल का, इन तीनों को मिलाने से पता चलेगा या तो साल भर में नेट पैसा आया या साल भर में नेट पैसा गया। थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने कहा 2,000 रुपए आया,
तो तीनों को प्लस माइनस जब करके यहां लिखोगे तो तीनों का मिलाकर कितना आया 2000। और साल के शुरू में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना बचा हुआ था 100 रुपए, यही तो एग्जांपल लिया था, 100 रुपए था। और ए प्लस बी प्लस सी का नेट बैलेंस आया 2000, साल के अंत में कितना होना चाहिए 2100, मैच कर जाएगा। आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2100 दिखेगा तो इसका मतलब आपका मैच कर रहा है, आपने सारी चीजें सही की है, बात खत्म हो गई। समझ में आई बात 100%? ये पूरी कहानी थी कैश फ्लो स्टेटमेंट की, दिस इज नथिंग एल्स बट द बाइफर्केशन ऑफ द ट्रेडिंग एंड पीएल एंड बैलेंस शीट इन डिफरेंट पार्ट्स। वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली द कैश रिसीट एंड द कैश पेमेंट्स, वी आर नेवर टू बी सपोज टू रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम्स, इनको कहीं पर भी नोट करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? नॉन कैश आइटम्स को नोट करना हो तो नोट करो, 5 मिनट है आपके पास। भाई ये कैश फ्लो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताता है, कैश फ्लो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताता है। अगर आपका यहाँ आंसर माइनस में आ रहा है तो लिख दीजिए माइनस 2000, प्लस में आया तो सीधे 1000 लिखिए, क्या दिक्कत है? और जब आप ऐड प्लस माइनस करेंगे तो नेट यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो आप लिख देंगे। इज इट क्लियर? हटा सकते हैं। अब बात करते हैं एक छोटे पॉइंट की। ये तो हमने यहां लिखा था कैश, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में वर्ड यूज किया गया है, ये जो मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग लिखा है ना, ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैश का बैलेंस नहीं है, बल्कि यहां लिखेंगे हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या लिखेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आपके पास कैश इन हैंड है वो आपका कैश है, कैश एट बैंक है वो भी कैश इक्विवेलेंट्स है, बोलो चेक्स इन हैंड है, बोलते क्यों नहीं? इसके अलावा अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म लिक्विड इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एज एंड व्हेन यू कैन कन्वर्ट दोज इन्वेस्टमेंट इनटू कैश, एज एंड व्हेन यू आर नीडेड यू कैन कन्वर्ट देम क्विकली इन कैश, those investments are also to be treated as cash in hand or cash equivalents. Is it clear? तो उस investment का हिस्सा आपको देखना पड़ेगा, क्या हमारे पास कोई ऐसा investment है जिसको हम cash का हिस्सा बनाए? तब उस investment को investment मत मानना, तब उस investment को investment मत मानना। Is it clear? पक्का ना? तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। Investment, इसको हम लिख देते हैं लिक्विड। इज इट क्लियर? याद रहेगा? हटा दें। गोल्ड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैश इक्विवेलेंट में ले जा सकते हैं, बिल्कुल सही। इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है वो आपको देखना पड़ेगा बस। हाँ मेरे लाल, मैंने कहा ना इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है वो देखना पड़ेगा। ये था आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, कोई भी डाउट हो तो पूछ ले, नहीं तो हम नेक्स्ट सेशन में आपका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बैंक। इस लायक तो तुम लोग नहीं हुए हो कि कोई क्वेश्चन दिया जा सके, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, ठीक है।